So hi guys, this is Varsha and you're Jing, nice to meet. So guys, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीसी और आईएससी के मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर। तो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे आईसीसी मॉडरेशन पॉलिसी क्या है, तो उसी को लेकर हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। और साथ ही साथ मॉडरेशन पॉलिसी के हिसाब से क्या आपका मार्क्स जो है बोर्ड एग्जामिनेशन का मार्क्स क्या वो इंक्रीज हो सकता है, तो उसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा था तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन और साथ ही साथ कंपार्टमेंट एग्जाम्स को लेकर, रीचेकिंग, रीअपियरिंग। रीअपियरिंग में दो केसेस होता है बेसिकली, इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स, कंपार्टमेंट एग्जाम्स, तो इसी के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था। तो उस वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये पूछा था कि इस बार का चेकिंग आईसीसी का लीनियंटली हुआ है या फिर टफ चेकिंग है, स्ट्रिक्ट चेकिंग है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी आईसीसी और आईएससी स्टूडेंट्स के लिए, सो वीडियो को एंड तक देखना। सो लेट अस बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बेसिकली आपका जो कि चेकिंग था वो लीनियंटली चेक हुआ या फिर आपका क्वेश्चन जितना भी आंसर स्क्रिप्ट है वो टफ चेकिंग हुआ या फिर स्ट्रिक्ट चेकिंग हुआ या फिर चेकिंग जो था वो लीनियंटली हुआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट जो भी टीचर्स होते हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन का करेक्शन करते हैं बेसिकली आंसर स्क्रिप्ट, दे हैव देयर ओन वे ऑफ गिविंग मार्क्स टू द स्टूडेंट्स, दे हैव देयर मार्किंग स्कीम, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच दे विल हैव टू फॉलो वाइल गिविंग यू द मार्क्स, वाइल अवॉर्डिंग द मार्क्स टू द स्टूडेंट्स एंड वाइल चेकिंग, वाइल डूइंग द करेक्शन, वाइल डूइंग द इवेल्युएशन प्रोसेस। सो फर्स्टली अगर आप कंपेयर करो तो आपने सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम्स तो दिया नहीं है, आपने इस बार कुछ सब्जेक्ट्स का एग्जाम्स नहीं दिया है फॉर सब्जेक्ट्स लाइक योर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ज्योग्राफी, हिंदी, देन इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी। सो फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स पर्टिकुलरली यू हैव नॉट गिवन द एग्जामिनेशंस। तो बेसिकली ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत ही स्कोरिंग थे और जो सब्जेक्ट्स का एग्जाम्स आपने ऑलरेडी दे रखा है वो सारे सब्जेक्ट्स थोड़ा टफ था एज कम्पेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, क्योंकि रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स बहुत ही स्कोरिंग था जिन सब्जेक्ट्स का एग्जाम्स आपने नहीं दिया। और जो सब्जेक्ट्स का एग्जाम्स आपने ऑलरेडी दिया वो ज्यादातर टफ सब्जेक्ट्स था, उसमें फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और भी सब्जेक्ट्स आते हैं, तो वो सब टफ सब्जेक्ट्स था इफ यू कंपेयर इट विद द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। सो बेसिकली हु करेक्ट्स योर पेपर, द टीचर्स, दे हैव देयर ओन वे ऑफ प्रोवाइडिंग मार्क्स टू द स्टूडेंट्स, सो डोंट वरी अबाउट दैट, चेकिंग विल बी लीनियंट ओनली एंड दे हैव देयर ओन वे ऑफ गिविंग मार्क्स एंड दैट इज मोर फेयर एज कम्पेयर टू योर स्कूल। तो बेसिकली स्कूल्स में प्री बोर्ड्स का करेक्शन होता है तो स्टूडेंट्स जो है, टीचर्स जो है, वो लोग थोड़ा मार्क्स कम करके देते हैं सो दैट स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करे और भी अच्छा परफॉर्म करे इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। लेकिन जो कि बेसिकली आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का करेक्शन होता है दैट इज चेक लीनियंटली एज कम्पेयर टू द स्कूल्स चेकिंग, दिस इज ऑल अबाउट योर कॉपी चेकिंग। नाउ कम्स व्हाट इज मॉडरेशन पॉलिसी। सो बेसिकली मॉडरेशन पॉलिसी में मार्क्स कैसे इंक्रीज होता है, तो ये बेसिकली वीक स्टूडेंट्स के लिए आप कह सकते हो, वीक स्टूडेंट्स इन द सेंस दैट दो स्टूडेंट्स हु आर बिलो एवरेज और दो स्टूडेंट्स हु आर एवरेज स्टूडेंट्स, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये मॉडरेशन पॉलिसी बेसिकली बहुत ही हेल्प करता है। सो मॉडरेशन पॉलिसी में फर्स्ट केस तो ये होता है कि आपका क्वेश्चन पेपर है बोर्ड एग्जामिनेशन का, तो क्वेश्चन पेपर में सपोज कोई भी मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग है या फिर आप कह सकते हो कि कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस अगर आ जाता है, तो अगर जो स्टूडेंट्स ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है उन क्वेश्चन को जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, तो बहुत ही कम ऐसा होता है। लेकिन इस बार भी आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में वन क्वेश्चन वॉज आउट ऑफ सिलेबस, इट वॉज नॉट रॉन्ग, रैदर इट वॉज आउट ऑफ द सिलेबस। सो बेसिकली जो स्टूडेंट वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, वो स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली जो लोग वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो उन्हें मार्क्स मिलेगा, दे विल बी अवॉर्डेड मार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। और उसके बाद जो कि दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका मार्क्स को लेकर है कि फॉर दो स्टूडेंट, सपोज आपका जो कि पास मार्क्स है आउट ऑफ 100 इट इज 33, राइट, तो 33 पास मार्क्स है, लेकिन किसी स्टूडेंट को अगर सपोज 30 मिल रहा है, तो अगर आपका जो कि पास मार्क्स है वो 33 है, सो पास मार्क्स 33 है और अगर आपको कोई सब्जेक्ट में सिर्फ 30 मिल रहा है, सो दे कैन गिव यू ग्रेस मार्क्स विद द हेल्प ऑफ दिस पॉलिसी दैट इज मॉडरेशन पॉलिसी। तो ग्रेस मार्क्स वो लोग ऐसे ही नहीं देते हैं, इसके लिए भी रूल है। तो क्या रूल है कि अगर आपने सपोज 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है तो उसमें आपने अटेम्प्ट किया है, तो क्वेश्चन भी देखा जाएगा कि अगर आपने सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है ऑल्दो इट इज रॉन्ग, लेकिन जो कि सारा क्वेश्चन है आपने सारा अटेम्प्ट किया है। बेसिकली सारे टीचर्स यही बोलते हैं कि आपको जो कोई क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, अगर आपको आता हो फिर भी, नहीं भी आता होगा सो राइट समथिंग रिलेटेबल बट डोंट लीव दैट कम्प्लीटली। सो वाई डू दे से दिस, दे से दिस बिकॉज ऑफ दिस मॉडरेशन पॉलिसी कि अगर कोई भी स्टूडेंट सपोज फेल हो रहा है, सो 2 मार्क्स से या फिर 3 मार्क्स से सपोज फेल हो रहा है, सो मॉडरेशन पॉलिसी विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडरेशन पॉलिसी यू विल बी गेटिंग सम ग्रेस मार्क्स इफ यू हैव अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, सो यू विल बी गेटिंग सम मार्क्स आउट ऑफ इट एंड यू विल गेट द पास मार्क्स। सो चूंकि स्टूडेंट्स है वीक स्टूडेंट्स, उन्हें पास करने में बहुत ही हेल्प करता है ये जो कि मॉडरेशन पॉलिसी है।
सो मॉडरेशन पॉलिसी स्टूडेंट्स का मार्क्स इंक्रीज करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पर एक और केस है कि कोई भी सपोज आपका कोई भी सब्जेक्ट है, सपोज फिजिक्स है, तो फिजिक्स में 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, तो 80 मार्क्स का जो कि आंसर स्क्रिप्ट आपने जो कि लिखा 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर का जो भी क्वेश्चन था उसे अटेम्प्ट किया, तो वो 80 मार्क्स में सपोज सारे स्टूडेंट्स को, कोई भी स्टूडेंट को 65 प्लस नहीं मिला। अगर क्वेश्चन पेपर मान लो कि बहुत ही टफ आया था, तो किसी को भी सपोज कोई भी स्टूडेंट को 65 प्लस मिला ही नहीं आउट ऑफ 80। सो हियर द टीचर्स दे अप्लाई मॉडरेशन पॉलिसी, और मॉडरेशन पॉलिसी के हिसाब से क्या होता है कि 65 को वो लोग 5% मार्क्स को इंक्रीज कर देते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने जितना भी स्कोर किया है 5% मार्क्स उनका इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पर सबको 70 मिल जाएगा। जितने लोग को 65 मिला उतने लोग को 70 मिल जाएगा, जितने लोगों को सपोज 45 मिला तो उन्हें 50 मार्क्स मिल जाएगा, जिन लोगों को 30 मिला उन्हें 35 मिल जाएगा, तो सारे स्टूडेंट्स का 5% मार्क्स इंक्रीज हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉडरेशन पॉलिसी एंड दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर इंक्रीजिंग योर मार्क्स। बेसिकली एवरेज स्टूडेंट्स है और जो लोग बिलो एवरेज है उन लोगों के लिए बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है मार्क्स को इंक्रीज करने में, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट फेल होने वाले सपोज तो वो आपको बचा लेगा, पास कर देगा। मॉडरेशन पॉलिसी के हिसाब से आपका जो कि पास मार्क्स है वो आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर भी अगर मिसप्रिंट हो गया या फिर कोई क्वेश्चन रॉन्ग है, कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, तो यहाँ पर भी मॉडरेशन पॉलिसी के हिसाब से आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाता है। सो अगर वो क्वेश्चन जो कि रॉन्ग था, अगर आपने उसका क्वेश्चन नंबर लिखकर भी छोड़ दिया, सो यू आर गोइंग टू गेट ग्रेस मार्क्स आउट ऑफ इट। लेकिन अगर आपने उसे अटेम्प्ट भी नहीं किया है, देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी ग्रेस मार्क्स। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉडरेशन पॉलिसी। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।